नमस्कार, आप सभी दर्शकों का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आपने ग्रिप्स पोर्टल पर जाके पेमेंट किया है और पेमेंट करने के बाद आपका चालान जनरेट नहीं हो पाया किसी भी टेक्निकल रीज़न से, तो आप अपने चालान को कैसे सर्च कर सकते हैं, यानी कि GRN कैसे सर्च कर सकते हैं। GRN जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पोर्टल पे जाना होगा, ग्रिप्स के पोर्टल पे। तो आपको जाके गूगल में सिर्फ टाइप करना है ग्रिप्स 2.0। देखिए 2.0 इसलिए टाइप करना है क्योंकि ग्रिप्स पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। अब ये जो वर्ज़न है, नया वाला जो वर्ज़न है, ये वर्ज़न है 2.0। तो गूगल में जैसे ही आप ग्रिप्स 2.0 सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा वही है ग्रिप्स पोर्टल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट रिसीट पोर्टल सिस्टम वर्जन 2.0। और सबसे बड़ी बात, मैं ग्रिप्स पोर्टल पे जाके जो GRN नंबर है, आपके नाम से, चाहे एप्लीकेंट का नाम हो चाहे बिजनेस का नाम हो, उस नाम से GRN नंबर सर्च करके दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं ग्रिप्स पोर्टल के होम पेज पे अब आ चुका हूँ। इनके होम पेज पे आने के बाद बहुत सारा मेनू आपको दिखेगा ऊपर में, जैसे कि सबसे पहला मेनू है पे नाउ, तो दूसरा जो मेनू है वो है GRN स्टेटस, और तीसरा जो मेनू है वो है चालान सर्च। तो जो चालान सर्च जो मेनू है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए, ये जो चालान सर्च मेनू को सबसे पहले क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आप एक दूसरे पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए चालान सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि मेथड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला तरीका है, देखिए लिखा हुआ है चालान सर्च विथ GRN। इसी तरह और भी तरीके हैं, टोटल 7 तरीके हैं चालान को सर्च करने के। और इसी तरह पांचवा जो ऑप्शन है, यानी कि मेथड है चालान को सर्च करने का, वो है सर्च चालान विथ ट्रेड ऑब्लिक एप्लीकेंट ऑब्लिक कंपनी नेम, यानी कि आप ट्रेड यानी कि बिजनेस के नाम से भी चालान को सर्च कर सकते हैं, या एप्लीकेंट के नाम से भी चालान को सर्च कर सकते हैं, या कंपनी के नाम से भी चालान को आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ याद रखें, पेमेंट करते समय आपने जो भी नाम दिया है, या तो इंडिविजुअल का नाम दिया है तो इंडिविजुअल के नाम से ही सर्च करें, यदि कंपनी का नाम दिया है तो कंपनी के नाम से ही सर्च करें, अदरवाइज आपका चालान फाइंड नहीं हो पाएगा, चालान नहीं मिल पाएगा सर्च करने से। तो अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट करने को बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑब्लिक डायरेक्टरेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट को या डायरेक्टरेट को आपने पेमेंट किया है ग्रिप्स पोर्टल पे जाके, वो डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट को आप पहले सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको ट्रेड नेम या एप्लीकेंट नेम या कंपनी नेम टाइप करना है। तो मैंने जिस नाम से चालान को पे किया था वो नाम मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। अब आपको चालान फिलअप डेट सिलेक्ट करना है। जी हाँ, चालान फिलअप डेट, यानी जिस डेट को आपने ग्रिप्स पोर्टल पे जाके चालान को फिल किया था वो डेट आपको सिलेक्ट करना है। और फाइनली देखिए कैप्चा दिख रहा है, आपको नीचे कैप्चा को टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद देखिए सबसे नीचे सर्च ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सर्च ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं अब एक दूसरे पेज पे आ गया, और यहाँ पर देखिए आपके चालान का सारा डिटेल्स आपको दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहले आपको शो करेगा GRN यानी कि गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, फिर दूसरा आपको शो करेगा GRN डेट यानी जिस डेट को आपने चालान फिल किया है
या पे किया है वो डेट आपको शो करेगा। तीसरा जो ऑप्शन आपको शो करेगा पेमेंट स्टेटस, तो पेमेंट यदि आपका सक्सेसफुल हुआ होगा तो सक्सेसफुल दिखाएगा, अदरवाइज पेंडिंग दिखाएगा। उसके बाद नेम यानी कि ट्रेड नेम या एप्लीकेंट का नाम या कंपनी का नाम दिखाएगा, और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन रहेगा वो लिखा हुआ है देखिए व्यू मोर डिटेल्स। तो और ज़्यादा इस चालान से रिलेटेड कोई डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो व्यू मोर जो ऑप्शन है उसे आप क्लिक करेंगे तो चालान से रिलेटेड और भी डिटेल्स आपको शो करेगा। तो देखिए व्यू मोर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो चालान से रिलेटेड और भी डिटेल्स यहाँ शो कर रहा है, साथ में कितना अमाउंट पेमेंट कर किया गया है या पेमेंट करने का कोशिश किया गया है वो अमाउंट भी सबसे नीचे शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपने ग्रिप्स पेमेंट का जो चालान है उसका GRN नंबर सर्च कर सकते हैं नाम से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लगता हो कि वीडियो किसी के काम आता हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।